शहीद पुलिसकर्मियों को किया नमन। शहीद प्रधान आरक्षक स्वर्गीय उमेश बाबू और आरक्षक ब्रजेश रावत के परिजनों से भेंट कर सांत्वना दी। इस वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस के दो जवानों ने देश के लिए दी है शहादत। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दमोह में जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस की बहादुरी को किया नमन। खंडवा पुलिस लाइन में भी हुआ कार्यक्रम। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहीद पुलिस जवानों को जिला पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया रक्तदान। रीवा में दो दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ समापन। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल सांस्कृतिक महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव प्रहलाद पटेल ने सांस्कृतिक कलाकारों को मानदेय 2,000 रुपए करने की घोषणा की। हिंदी की धरती पर पहली बार आयोजित राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान देश भर के कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुतियां। विंध्य के स्थानीय कलाकारों ने भी प्रतिभा का दिया परिचय। ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित महोत्सव के दौरान हस्तशिल्प मेले का भी हुआ आयोजन। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत शाजापुर के बिरछा में आयोजित गांधी संकल्प यात्रा में हुए शामिल। लोगों से पूज्य बापू के आदर्शों और विचारों को आत्मसात करने और जीवन में उतारने का किया आह्वान। स्थानीय सांसद द्वारा निकाली गई गांधी संकल्प यात्रा का 31 अक्टूबर को आगरा में होगा समापन। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में की मुलाकात। प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से कराया अवगत। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपए की मांगी आर्थिक मदद। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। ग्राहकों को आसान तरीके से कर्ज उपलब्ध कराने और उन्हें सरकार की जन सरोकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए मंदसौर में आउटरीच कार्यक्रम का किया गया आयोजन। संजय गांधी उद्यान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि हुए शामिल। भोपाल के रविंद्र भवन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ग्राहक मिलन और ऋण वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। ग्राहकों को करीब 20 करोड़ रुपए के ऋण किए गए वितरण। नमक में आयोडीन की उपलब्धता और आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की जानकारी देने बैतूल में आयोडीन कार्यशाला का किया गया आयोजन। अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए संकल्प। निकाली गई जागरूकता रैली। सोमवार को झाबुआ विधानसभा के लिए आयोजित मतदान में करीब 62% लोगों ने किया मतदान। कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया का बीजेपी के भानु भूरिया से मुकाबला। 24 अक्टूबर को होगी मतगणना। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने उत्साह से डाले वोट। एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की जताई संभावना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की उद्यमिता विकास योजना की जिला स्तरीय कार्यशाला कटनी में हुई आयोजित। विजय राघवगढ़ बहोरीबंद और ढीवर खेड़ा क्षेत्र में डेयरी उद्यम विकास की संभावनाओं पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जरूरतमंदों के बीच दीपावली मनाने के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंदौर में दीपावली मिलन समारोह का किया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी हुए शामिल। 5,000 से अधिक महिलाओं को पटाखे मिठाई और दिए किए गए वितरण। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 135 रन पर सिमटी। टीम इंडिया ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम को टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप।